नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हम बात करेंगे 30 दिन की धामी धमक। पुष्कर सिंह धामी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज बेमिसाल 30 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। अपने इस कार्यकाल में शपथ ग्रहण के बाद से ही पुष्कर धामी एक्शन मोड में नजर आए हैं। अपने फैसलों से न सिर्फ उत्तराखंड की जनता के दिल में उतरे बल्कि अपनी एक अलग छवि भी बनाई है। सबसे पहले नौकरशाही में फेरबदल के साथ कोरोना से पर्यटन कारोबारियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 200 करोड़ की घोषणा समेत कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री के इस ताबड़तोड़ फैसले के बाद जनता भी धामी सरकार की जमकर सराहना कर रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पुष्कर सिंह धामी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 4 जुलाई को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज बेमिसाल 30 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। अपने शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले नौकरशाही में फेरबदल कर कड़ा संदेश अफसरशाही को दिया। इसके साथ ही कोरोना काल में बेसहारा बच्चों को सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू कर अनाथ बच्चों को सहारा दिया है। इस योजना का विधिवत शुभारंभ भी मुख्यमंत्री ने कर दिया है। मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने DBT द्वारा योजना में चिन्हित बच्चों के बैंक खाते में 3,000 रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, रेखा आर्या, विधायक समेत अन्य अतिथिगण उपस्थित रहे। मैंने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार जो है चीजों को टाइम बॉन्ड करेगी और चूंकि बरसात का समय है और 15 अगस्त तक सारे जियो सारे शासनादेश निकाल दिए जाएंगे तो जल्दी से चीज़ें धरातल पर आएंगी। हम चाहते हैं कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो चीज़ें शुरू हुई हैं वो समाप्त हों और जो अगले 2-3 महीने में जो काम हो सकते हैं उन कामों को धरातल पर उतारा जाए, इसलिए शासनादेश। आज हम लोग मुख्यमंत्री वात्सल योजना का हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस वात्सल योजना का एक ही मत है, एक ही ध्येय है कि किस प्रकार से हम जो कोविड में अनाथ हुए बच्चे हैं उनसे हम कनेक्ट हो सके, उनका हम सहारा बन सके। सरकार ने बड़ा ही मार्मिक और संवेदनशील चेहरा आज यहाँ प्रस्तुत किया है और सरकार सीधे सीधे उनके माँ बाप की भूमिका में उतरते हुए उनको सहारा देने का काम करी है। सरकार इस वात्सल योजना के माध्यम से 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रति बच्चा देने का काम कर रही है। इसके अलावा सरकार इनको मुफ्त शिक्षा दे रही है, मुफ्त खाद्यान्न दे रही है। इसके साथ साथ मैं कहूंगी कि 5% का आरक्षण देने वाला भी उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है। इसके साथ साथ में उनकी संपत्ति 0 माह से लेकर आपके 21 वर्ष तक उसको संरक्षण करने का काम जिलाधिकारी की जिम्मेदारी में रखा गया है। तो निश्चित रूप से ये योजना अपने आप में बहुत वृहद है और वात्सल्य से जुड़ने वाले सभी बच्चों को हर प्रकार से सरकार ने अभिभावक की भूमिका निभाते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे भी मुख्यमंत्री धामी ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ फैसले से पार्टी संगठन से जुड़े पदाधिकारी मुख्यमंत्री धामी की जमकर सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे ऐसे कई फैसले CM धामी लेने जा रहे हैं। देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जब से माननीय मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया, उत्तराखंड के युवाओं में जो जोश है वो देखते ही बन रहा है और उन्होंने जो पहली घोषणा की कि लगभग 22,000 नौकरियां, सरकारी नौकरियां हम उत्तराखंड के लोगों को, युवाओं के लिए खोलेंगे, उससे मुझे लगता है कि जिस तरह से वैकेंसीज आई हैं और लोगों ने फॉर्म्स भरने शुरू किए हैं, एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स उत्तराखंड के युवाओं के अंदर देखने के लिए मिल रही है। फिर उन्होंने कहा हम स्वरोजगार योजना में 10,00,000 लोगों को रोजगार देंगे। इसका मतलब उत्तराखंड में क्षमताएँ हैं और उत्तराखंड के युवाओं को अब काम मिलने जा रहा है। उन्होंने अभी इन्वेस्टर्स को बुलाने की बात की है कि जो इन्वेस्टर्स बाहर से आने के लिए फंडिंग के लिए तैयार हैं उनसे मुंबई के, महाराष्ट्र के, अलग अलग देश के बड़े पूंजीपतियों से उनकी बात हुई है। हमें लगता है कि उत्तराखंड में बहुत अवसर, रोजगार के अवसर खुलेंगे। पार्टी के नेताओं के साथ ही आम जनता भी CM धामी के कार्यों की जमकर सराहना कर रही है।
उत्तराखंड की जनता का कहना है कि भले ही सीएम धामी को कम समय मिला हो, लेकिन उनके कार्यों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। मुख्यमंत्री धामी ने अतिथि शिक्षकों, पर्यटन कारोबारियों, चार धाम यात्रा से जुड़े व्यवसायियों को राहत पैकेज देकर उनकी समस्याओं को कम किया है। राज्य की जनता को पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री धामी आगे भी ऐसे निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री मिले हमें प्रदेश में, तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य शुरू करा है, जो शुरू से ही करा। सबसे पहली बात तो शासन ब्यूरोक्रेसी में जो ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने लगाम खींची है, वो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन आम जनता तक इन अधिकारियों को ही कार्य करना होता है। उनके ऑफिसों में चक्कर, उन्होंने यही तो बोला है कि अब शासन में कोई नहीं आना चाहिए, अब जो भी होना है वो आपने अपने निचले स्तर से ही करिए। तो वो एक लगाम है कि आपको जनता के कार्य करने पड़ेंगे जो लटकाते थे। मुझे लगता है वही काम हो रहा है जो होना चाहिए था। युवाओं में थोड़ा जोश है अब की बार, जैसे उन्होंने एज का भी इशू बढ़ाया युवा को हर क्षेत्र में, तो मुझे लगता है भाई आगे काफ़ी अच्छा काम होगा। युवाओं को रोज़गार मिलेगा, जो पलायन की समस्या है, जो बाहर के क्षेत्र में लड़के गए हुए हमारे उत्तराखंड के, वो वापसी आएंगे, तो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छा हो आगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अतिथि शिक्षकों के वेतन को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की घोषणा की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए दिव्यांगों को शामिल किए जाने, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना को गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चे के उत्थान के लिए इस योजना को शुरू करने समेत कोरोना से पर्यटन कारोबारियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 200 करोड़ रुपए दिए जाने, पिथौरागढ़ के 38 आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए धनराशि स्वीकृत। देखिए, कोई भी अभी तो एक तो वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन पर इससे पहले कोई इतना बड़ा अनुभव भी नहीं था, और ना ही वो कभी कोई बड़े पद पे मंत्री मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी नहीं रहे हैं मेरे ख्याल से। लेकिन युवा होने के नाते उनके पास एक तो वो शिक्षित हैं और उनके पास विज़न बहुत क्लियर है, वो जो भी बात कर रहे हैं बहुत क्लियर कर रहे हैं। नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, अभी एक महीना तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यंग मुख्यमंत्री हैं, तो हमारी जो युवा जनरेशन है उनको युवा मुख्यमंत्री से कई उम्मीदें हैं। और पर्यटक के क्षेत्र में भी देखो या रोजगार के क्षेत्र में देखो, तो युवाओं को बड़ी उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री वो भी हैं, युवाओं को उम्मीद उनसे है। कुल मिलाकर धामी सरकार का एक माह का कार्यकाल बड़ा ही ऐतिहासिक रहा है। अब तो राज्य की जनता भी कहने लगी है कि मुख्यमंत्री धामी को पहले ही मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। ऐसे में देखना होगा कि क्या राज्य के मुख्यमंत्री धामी की कार्य करने की रफ्तार और बढ़ती है या नहीं। मुख्यमंत्री के ऐतिहासिक कार्यों का लाभ पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में मिलता है या नहीं। फिलहाल तो सीएम के कार्यों को देखकर यही कहा जा सकता है कि 30 दिन का कार्यकाल तो धामी सरकार का ऐतिहासिक रहा है। उत्तराखंड के न्यूज इंडिया डेस्क रिपोर्ट। तो जिस तरह से जो सीएम का जो कार्यकाल 30 दिन का पूरा हुआ है, उसमें साफ संदेश है कि धामी सरकार पूरी तरह से विकास के लिए तैयार है। कई सारी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, कई सारी योजनाओं का लोकार्पण हुआ है, और सीधा संदेश है कि एक छाप छोड़ी है मुख्यमंत्री ने। इसी पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले, धामी सरकार के 30 दिन के कार्यकाल को विपक्ष ने निराशाजनक बताया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम धामी जो हैं उनको लेकर उनका 30 दिन का कार्यकाल तो पूरा हो गया, लेकिन उनको चिंता है कि कहीं बीजेपी चुनाव से पहले कोई नेतृत्व परिवर्तन ना कर दे। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी ऐसे फैसले लेकर पिछले दो मुख्यमंत्रियों के शून्य कार्यकाल को नहीं भुला सकते। पार्टी के लोगों को लड्डू बांटना चाहिए पूरे प्रदेश में, सारे प्रदेश की जनता दिल में हाथ रखे हुए धड़कन तेज थी। तीन तो बदल दिए, चौथा ना बदल जाए, चौथा ना आ जाए, तो इसलिए 30 दिन इनके पूरे हो गए, इसके लिए उनको बहुत बधाई। पूरे 5-6 महीना पूरा कर लें भैया, उत्तराखंड के ऊपर कृपा करो, 3 मुख्यमंत्री बहुत है 5 साल।
देखिए जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा मात्र एक महीने में अपनी ढेर सारी उपलब्धियां बता करके उत्तराखंड की जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, ये जनता सब जानती है। इनके एक माह के कार्यकाल से क्या इनके 4.5 साल के पाप धुल जाएंगे? पहले भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को एक बिल्कुल जीरो वर्क सीएम के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत दिए, उसके बाद एक जीरो विजन सीएम के रूप में तीरथ सिंह रावत दिए, और आज मात्र एक महीने के अंदर जनता को बरगलाने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाओं को जो पुलिंदा लेकर के आए हैं, जनता इस बात को बखूबी जानती है। आज इस कार्यकाल को समझिए, मात्र एक महीने के अंदर देवस्थानम बोर्ड को आप ले लीजिए, पंडे पुरोहित जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हों या आशा कार्यकर्ता हों, अपनी मांग को लेकर वो हड़ताल पर बैठी हुई हैं। पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है कि ग्रेड पे के कारण जो है पुलिस विभाग के जो परिजन है वो सड़कों पर आए हुए हैं। तो सरकार को मैं एक सलाह ये देना चाहूंगा कि पुष्कर सिंह धामी जी अपनी जनताओं का अपनी घोषणाओं का जो पिटारा खोल रहे हैं उसकी मतलब एक कपोल कल्पना से बाहर निकल के जमीन पे जमीनी धरातल पर काम करें। तो एक तरफ जहां 30 दिन के कार्यकाल में जो सीएम धामी हैं उन्होंने तमाम सारी योजनाओं का लोकार्पण किया, विकास का कार्यों का लोकार्पण किया, तो साथ ही कई योजनाओं के लिए उन्होंने धनराशि भी आवंटित की है, लेकिन विपक्ष इसको अभी भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत ना हारें, दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। खुदी को आजमाया कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी है उनके सीधे खाते में पहुंचेगी, उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा, उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1,00,000 से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पुष्कर सिंह धामी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। हम बात कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के 30 दिन के कार्यकाल की। 30 दिन के कार्यकाल में उन्होंने अपनी
छाप छोड़ी है नो डाउट, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पहले नहीं हो सकता था जो 30 दिन में हुआ, कई योजनाओं का शुभारंभ हुआ, 200 करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा हुई और शुरुआत से ही जो अफसरशाही है उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश हुई, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हनी पाठक हैं बीजेपी से, सर स्वागत है आपका, और अनिल भास्कर कांग्रेस नेता हैं, सर आपका भी स्वागत है, और शिशुपाल रावत उपाध्याय हैं आम आदमी पार्टी से, सर आपका भी स्वागत है, और जय सिंह रावत हैं राजनीतिक विश्लेषक, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हनी जी आपके पास आऊँगा, मुख्यमंत्री ने 30 दिन में शुरुआत से ही अग्रेसिव नजर आए और सबसे पहले कई सारे अधिकारियों के तबादले किए, उसके बाद राहत पैकेज की घोषणा की, वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया, ऐसी तमाम सारी योजनाओं का लोकार्पण किया। क्या ये काम पहले की जो मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्या उनके वक्त पे नहीं हो सकते थे, या फिर हम ये माने चुनाव नजदीक है इसलिए ये तेजी दिखाई जा रही है? ये तेजी नहीं दिखाई, हनी जी सवाल आपसे ही है, अनिल जी आपके पास बाद में आएंगे, हनी जी से सवाल है हमारा। चलिए कोई नहीं, अनिल जी नाम के अंत में ही आता है। देखिए ऐसा है, देखिए पुष्कर धाम धामी जी के कार्यकाल को आज एक महीना पूरा हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। इस एक महीने में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न केवल शासन में आमूलचूल परिवर्तन किया है, शासन के कहीं बरगद के पेड़ भी थे जिन्हें हिलाना बेहद मुश्किल था, उसे सीएम ने सभी को जड़ समेत उखाड़ दिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का यह भी कहना है कि एक महीने में केंद्र सरकार का भरपूर उनको सहयोग मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ केंद्र सरकार का उनको साथ साथ सहयोग मिलता जा रहा है। राज्य प्रदेशवासियों को भी सहयोग उनको मिल रहा है। उनका कहना है एक महीने में कई योजनाओं की शुरुआत की गई है, और कहना क्या है जो धरातल पे दिखने में भी आ रहा है कि लगातार योजनाओं की शुरुआत इतने कम समय में शुरू भी कर दी गई है। और अभी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबसे अच्छी योजना, क्योंकि जो कि मैं महिला हूँ तो महिलाओं से रिलेटेड मैं बोलूंगी, तो महालक्ष्मी योजना की जो शुरुआत की गई है वो काबिले तारीफ है। बच्चों को 3,000 रुपए हर महीने मिलना, उनके पालन पोषण की देखभाल करना, उनको अपना मामा और रेखा आर्य जी को बुआ बताना, ये काफी प्रशंसनीय योगदान रहा है बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए और गरीब बच्चों के लिए। और भी कई योजनाएं लगातार प्रदेशवासियों के हित में ली जा रही है, शिक्षा स्वास्थ्य महिला बाल विकास के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है। और प्रथम जो उनका है प्राथमिकता, उसको रोजगार में शामिल किया गया है, रोजगार दिलाना हर व्यक्ति को उन्होंने प्रथम अपना ध्येय मान के चल रहे हैं। ठीक है। लेकिन सवाल यही ना कि ये पहले जो तेजी दिखाई गई है इन 30 दिनों में, ये पहले भी दिखाई जा सकती थी? एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पुष्कर सिंह धामी, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और सवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें
www.covid.gov.in कॉल करें 7579215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामे की उनका हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पुष्कर सिंह धामी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 30 दिन के कार्यकाल की। 30 दिन के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई है और तमाम सारे कार्य किए हैं, जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। वापस हम आएंगे। अनिल जी हमारे साथ है कांग्रेस से। अनिल जी, आपसे सवाल है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी देखती है इस 30 दिन के कार्यकाल के मुख्यमंत्री? देखिए, अभी आपने एक बात बोली थी कि इन्होंने काफ़ी सारे कार्य किए हैं। कार्य किए नहीं हैं, कार्यों का शिलान्यास करना शुरू किया है, और ऐसा कोई नया काम पहली बार नहीं हुआ है। जब से 7 साल से मोदी जी आए हैं, जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्यों में वो घोषणाएं की बाढ़ लगा देते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वो घोषणाएं और वो सारे वादे सब खत्म हो जाते हैं, सब गायब हो जाते हैं। उनकी कोई मालूम नहीं होता कि कौन सी घोषणाएं की गई थी और कौन सी घोषणाएं शुरू हुई थी और कौन सी घोषणाओं पे काम चल रहा था और कौन सी घोषणाएं तो बिल्कुल भूल गए हैं। ये पिछले 7 साल से केंद्र सरकार ने पूरे राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार थी उनके साथ मिलकर के लोगों का गुमराह करने का काम इस प्रकार से उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो इसमें कोई नया काम नहीं हुआ है। दूसरी बात, अभी हमारी हनी जी ने कहा कि जो 3000 रुपए मिलने वाली बात उन्होंने बोली, तो अभी अगर आप सही से आंकड़े मालूम कर लें पूरे देश में, तो 2000 रुपए जो किसानों को मिलने की बात पिछले 2 साल पहले कही गई थी, उसमें कितना गुमराह देश के किसानों को किया जा रहा है, किस तरह से वो हो रहे हैं और किस तरह से उनको नहीं मिल रहे हैं, पहले इसी का जांच ले लें। ये तो बहुत बड़ी बात है कि उनको आगे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उत्तराखंड में। तीसरी बात, अभी जब आप ये भी कहते हैं कि बिजली फ्री नहीं दे पाएंगे और उसके बाद ऊपर से आप 3000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं आप दूसरी तरह से उसको देने का काम कर रहे हैं। तो या तो आप स्पष्ट कर दें कि आप बिल्कुल भी किसी चीज को आप किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं देना चाहते प्रदेश की जनता को, और अपने हिसाब से तो जो करना चाहेंगे उसको सही कहेंगे लेकिन दूसरे हिसाब से नहीं करना चाहेंगे। तीसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी मुख्यमंत्री जी बने हैं उनको ठीक है, वो पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले अच्छा बोलते थे, खूब बोलते थे, अब उन्होंने अपने आप को कम बोलना शुरू कर दिया है। शायद उनको ऊपर से आदेश आया होगा जब त्रिवेंद्र जी की वजह से, कि उन्होंने जो बहुत बोल करके इमेज खराब की है उस इमेज को डैमेज उसको कंट्रोल करना है। आज स्थिति यह है कि वास्तविकता में पुष्कर धामी जी को भी पीछे करके उनके सपोर्ट में अनिल बलूनी जी को लाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि एक प्रकार से पुष्कर धामी जी को भी उन्होंने मान लिया है कि इनसे नैया पार नहीं होने वाली है, और युवा होने का यदि ये फायदा मिलता है कि उससे रोजगार मिलेंगे, तो मैं कहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता युवा मोर्चे कोई अध्यक्ष वगैरह हो, कम उम्र के हो, उनको आप मुख्यमंत्री बना दीजिए ना, यदि उससे गारंटी मिलती हो कि रोजगार मिलेंगे। तो रोजगार मिलने का काम होता है एक रोड मैप मिलना, एक उसका एक आपके पास विजन होना, एक तैयारी होना, और अगर मान लिया आप हर काम पूछने के लिए दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से आपको जो गाइडलाइन मिलेगी उसके हिसाब से काम करेंगे, तो मैं समझता हूं वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो उसमें धामी जी हो, चाहे त्रिवेंद्र जी हो, तीरथ जी हो, वो उत्तराखंड का भला नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए एक विचार होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें जैसे, लेकिन अनिल जी जैसे आपने कहा कि सिर्फ पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो शिलान्यास कर रहे हैं, अभी कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन अभी वात्सल्य योजना का शुभारंभ हुआ है, रोडवेज कर्मियों की जो सैलरी रुकी थी उसको पास करने का काम किया है, और अगर बात करें जो अभी कल तक कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन को लेकर जो कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक जो हैं गेस्ट टीचर उनकी सैलरी बढ़ाने की मांग की जा रही थी, उसकी भी घोषणा कर दी है 15,000 से 25,000 कर दी गई है, तो काम तो कर रहे हैं ना सर, ये नहीं कह सकते उन्होंने काम नहीं किया। देखिए, अब स्थिति ये आ गई थी कि उनको चुनाव आ गए, तो चुनाव आने के समय उनको सब बहुत सारी चीजों में समझ में आया कि अगर नहीं कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया दिक्कत, लेकिन फायदा तो कहीं ना कहीं जनता को पहुंचेगा ना। बोलो अब नहीं, उसमें स्थिति यह है साहब कि जैसे अभी बिजली कर्मचारियों का है, उसमें उन्होंने समय मांगा है, तो ठीक है ना, उसमें अभी आदेश नहीं हुए हैं, तो अगर मान लिया किसी ने चॉकलेट मांगी थी और टॉफी देकर के काम करने का है, तो वो एक अलग चीज हो गई है। ठीक है, ठीक है, उस पर भी मांगेंगे। हमारे साथ शिशुपाल जी भी हैं आम आदमी पार्टी से। शिशुपाल जी, जो पुष्कर सिंह धामी है, 30 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है, किस तरह से देखती है आम आदमी पार्टी? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है सिर्फ ये बातें ज्यादा करती हैं, काम नहीं करते हैं। इनके आजकल इतना जरूर है, धामी जी के आने से अखबारों में ऐड हो गया है, होर्डिंग लग गए मोदी जी की फोटो के साथ, उसमें लिख दिया गया 22,000 लोगों को हम नौकरी देंगे, उसमें जो बात चल रही योजना की आप बात कर रहे हैं,
भगवान करे इससे भी कम होते, मात्र 600 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने माँ बाबों को कोविड पे खोया है। अच्छी बात है उनकी मदद करना, लेकिन उसके साथ ही आज आप देखिए कि बिजली कर्मचारियों ने 8 घंटे तक बिजली रोकने का काम किया, उनको 1 महीने का टाइम दिया है। ग्रेड पे कमीशन के लिए जो है कि दिल्ली पुलिस के जो अपने परिवार के लोग थे वो सड़क पर हैं, शिक्षा मित्र सड़क पर हैं, यानी तमाम आशा कार्यकर्ती आज हमारी बहनें सड़क पर हैं। और उसके बाद कर्मचारी ने ये कह दिया है कि हमें भाजपा कांग्रेस पर विश्वास नहीं है। 2017 में एक समिति गठित की गई थी, दोबारा से पुष्कर सिंह धामी ने भी उस समिति गठित करने की कोशिश की, उसको जो है कर्मचारियों ने मना कर दिया कि हमें इन सरकारों पे विश्वास किए, पहले काम करें उसके बाद जाकर के हम विश्वास करेंगे। जहां तक मैडम कह रही थी कि बहुत बड़े बरगद के पेड़ उखाड़ दिए धामी जी ने, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके जो कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, हरक सिंह रावत जी, वो कह रहे हैं कि मुझे मंत्री मत बनाओ, अगर मेरे से ज्यादा क्षमता सतवाल जी के पास है जो कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष है तो उन्हें बना दीजिए। और साथ में ये कहा कि यही बात मैंने जो है त्रिवेंद्र रावत जी से कही थी, जिन्हें हमने 0 वर्ष मुख्यमंत्री कहा, यही बात मैंने जो है कि तीरथ सिंह रावत जी से कही थी, और यही बात मैं आज धामी साहब से कह रहा हूं। अगर इनके सरकार में इनके मंत्री एकजुट नहीं है, ये काम आपस में मिलकर के नहीं कर रहे, तो कहां की विकास योजनाएं की बात कर रहे हैं आप? ये भी जो है ना 0 वर्ष मुख्यमंत्री निकलेंगे, क्योंकि खाली शिलान्यास करने से लोगों का भला नहीं हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस आपस में बहस कर लेंगे टीवी पे, सोच रहे से बोल। तो शिशुपाल जी, आप ही मानते हैं कि जो 30 दिन का कार्यकाल था उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं है, सिर्फ अखबारों में ऐड है। तो ये वात्सल्य योजना, देखिए वात्सल्य योजना का शुभारंभ अगर हुआ है उससे फायदा तो जनता को पहुंचेगा ना। 200 करोड़ का अगर राहत पैकेज उन्होंने उसका ऐलान किया, उसका फायदा जनता को पहुंचेगा जो कोरोना काल में त्रस्त हो गई थी। और इसके अलावा रोडवेज बस कर्मी जो थे उनकी सैलरी रुकी हुई थी, उस सैलरी को शुरू किया है, उनको सैलरी देने का काम किया है, तो फायदा तो पहुंचा है ना जनता को कहीं ना कहीं से। और जैसे आप कह रहे हैं बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, कर्मचारी, आपने शिक्षक, लोगों की शिक्षक की बात करी, और जो पुलिस का ग्रेड पे कमीशन है उसको लेकर भी आश्वासन दिया सरकार ने, तो आप क्या चाहते हैं 30 दिन में सारे काम पूरे हो जाएं? शिशुपाल जी, अगर सरकार कुछ अच्छा काम करती है तो विपक्षी पार्टी को भी मानना चाहिए उसने काम अच्छा किया है। खैर, हम आपके पास बाद में आएंगे, आपके पास बाद में आएंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, जयसिंह रावत जी। जयसिंह रावत जी, इस 30 दिन के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिये, 1 महीने का कार्यकाल तो बहुत कम होता है, लेकिन कहते हैं कि जो बच्चे के जो भूत के पांव पालने में दिल जाते हैं, है ना, तो निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत से बेहतर हैं। और हमें ऐसा लगता है कि उत्तराखंड को भविष्य के लिए एक अच्छा नौजवान, एक अच्छा मेटेरियल नेता मिल रहा, ये संतोष का विषय है। और उम्मीद की जिस तरह से उनका विजन है, एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल चल रहा है, लगता है वो आगे वो 5-6-7 महीने जो है ठीक ठाक करेंगे। लेकिन जो पिछले जो मुख्यमंत्री, खासकर तीरथ सिंह जी के पास तो समय ही नहीं था, उन्होंने उनके बयानों ने, उनके जो उन्होंने जो ज्ञान बांटा उससे थोड़ा हुआ है। लेकिन जो गड्ढे त्रिवेंद्र सिंह रावत खोद गए हैं, जैसे चार धाम का खोद गए हैं, वो जमीनों वाला खोद गए हैं, आपका कई जो उसमें ये वाला आपका लोकायुक्त वाला है, 50 जो गड्ढे वो खोद के गए हैं, वो कैसे ये भर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सवाल जो जनता देखेगी ना, वो केवल ये 6 महीने नहीं देखेगी ना, वो समग्र रूप से पिछले 4-5 साल का कार्यकाल भी देखेगी, तो ये वाला भी देखने वाला। जहां तक धामी का सवाल है, निश्चित रूप से धामी पिछले 2 मुख्यमंत्रियों से बेटर है, और उत्तराखंड के लिए एक होने वाला नेता, हम तो ये चाहते हैं किसी भी पार्टी का लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि जो ये 30 दिन में काम किए गए हैं, कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है, तमाम सारे ऐलान किए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर चुनाव नजदीक ना होता तो क्या हम ऐसा देख पाते? देखिए ऐसा है, मैं एक एक करके अब सबकी बात का जवाब देती हूँ। जो ये कह रहे हैं कि क्या बोल रहे थे, बड़े भाई साहब कह रहे थे कि
कुछ करके नहीं दिखाया भाजपा ने, कांग्रेस ने, तो मैं तो कांग्रेस के बारे में विशेष न जानती हूँ ना बोलना पसंद करती हूँ, क्योंकि कार्य तो कुछ भी किया ही कि उसमें, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी से कि जो ये कह रहे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर ये सब करके प्रचार सिर्फ कराया गया है, तो बाकी के जो मेरे भाई और भी चैनल में और जो जनता है वो ये लफ्ज जरूर याद रखी होगी, दिल्ली वालों हमने डेंगू को हराया है वैसे कोरोना की लड़ाई लड़ेंगे। ये आप ठीक है हनी जी, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपके पास, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी है उनके सीधे खाते में पहुंचेगी, उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा, उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1,00,000 से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 30 दिन के कार्यकाल की। इन 30 दिनों में उन्होंने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया है, कई सारी योजनाओं का लोकार्पण किया है और कई जगह उनकी सराहना भी हो रही है इसके लिए। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, वापस हम आएंगे हनी जी के पास। ब्रेक से पहले हनी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे आप उसको पूरा करें। मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के अपने बड़े भाई साहब से कि इसमें जो लगातार दिन भर ये एड चल रहा था डेंगू को हराएंगे कोरोना को हराएंगे नाटक जो इनका चल रहा था जुमलेबाजी, कितने ज्यादा कोरोना में हालत खराब दिल्ली की हुई उतने किसी प्रदेश की हालत खराब नहीं हुई है। और ये बात करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिस तरीके से वहां पे तिल तिल करके मेरे सगे मौसा ससुर एक हॉस्पिटल में बेड पाने के लिए उनका इंतजाम नहीं हो पाया और सड़क पर तड़प तड़प कर मरे हैं, मेरे से बेहतर एग्जांपल और आप क्या देंगे बताइए, कहां से आए वो ये बताइए। आप अपने ही पार्टी के व्यक्ति को जब बेड नहीं दिला पा रहे हैं, जरूरत की सुविधाएं नहीं दिला पा रहे, तो आप बात करते जिंदगी और मौत से बड़ा कोई भी वो नहीं होता। भाई साहब पहले आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए कि आपने क्या किया। डेंगू नहीं था कोरोना जो आपने लोगों को तिल तिल करके सड़क पे मरता छोड़ दिया था, वेंटिलेटर सांस घुटने से लोगों की मौत हो रही थी। और दूसरा मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो ये 3,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन कार्ड पूरे में बांटने के लिए वो मुहिम चला रखे हैं, अगर हिम्मत है तो अपने दिल्ली के कार्यों को दिखाकर उत्तराखंड में आकर दिखाएं। फ्री 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 कोलगेट के साथ ब्रश फ्री, डाबर लाल दंत मंजन के साथ ये फ्री के जुमलेबाजी को छोड़ दे। यहाँ एड की प्रक्रिया नहीं चल रही है, जो 3,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराते फिर रहे हैं कि आपको 300 यूनिट बिजली फ्री जाएगी, रजिस्ट्रेशन करिए। काम के बल पर
काम के बल पर दिल्ली में क्या आपने काम किया उसके बल पर उत्तराखंड में आकर दिखाइए, तब मैं मानूं कि आप बहुत ज्यादा कार्यरत है। और दूसरा, मैं अब अनिल जी भाई साहब आपकी तरफ आती हूँ, जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ घोषणाओं करके छोड़ दिए जाते हैं, आपको शायद पता नहीं है आपके मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, उनको घोषणा मंत्री कहा जाता था, घोषणा मंत्री उनका नाम था। अनिल जी काफी वरिष्ठ हैं, आप पीठ पीछे किस तरीके की लोगों में बातें चलती हैं आपको बेहतर पता होगा, ये जानकारी आप इकट्ठा करिए कि उनको घोषणा मंत्री कहा जाता था कि नहीं कहा जाता। अनिल जी बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल चुप साध के बात कर रही थी, आप काफी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, जब मैं बोलूं तो आपको भी मौका देंगे एंकर। और जो ये कह रहे हैं कि कार्य नहीं हुआ, अटल आयुष्मान योजना प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो उत्तराखंड में हर एक नागरिक के पास इस समय है, जिसके पास एक 10 रुपए की टैबलेट खरीदने का पैसा नहीं रहता है, उनको 5 लाख रुपए का बीमा उत्तराखंड सरकार ने हर घर में चलाया है, ये प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी जो उन्होंने घोषणा पत्र में अपने जब चुनाव के लिए जगह जगह जाया करते थे तो ये घोषणा पत्र में कहा था कि हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1905 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन करिए, 1 रुपए में पीने का पानी का कनेक्शन दिया गया, प्रदेश में जरूरी टनल और पुलों का निर्माण तेजी से चलाया गया, किसानों को 3 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन दिलाया गया। ये सब घोषणा नहीं है, धरातल पर है अनिल जी, बाहर निकलिए और लोगों से। अनिल जी का एक सवाल ये भी था कि एक मुख्यमंत्री फिर से बदल सकता है, अनिल बलूनी की उन्होंने बात की, तो क्या ऐसा भी कुछ है कि हमें चुनाव से पहले एक और नया मुख्यमंत्री का चेहरा देखने को मिलेगा? हनी जी आपसे ही सवाल है, मेरे से? हनी जी आपसे ही सवाल है। अनिल जी ने अब ब्रेक से पहले कहा था कि हो सकता है नया मुख्यमंत्री देखने को मिले, पुष्कर सिंह धामी को लेकर भी विवाद की स्थिति है बीजेपी में, हम चाहेंगे इसे स्पष्ट करें आप। ये जो बोल देंगे सच होगा, ये तो यही बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, जब इनके प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी वहां पर कार्यालय में आए थे तो पहले दिन उनके स्वागत के समय बाहर कार्यालय में जमकर हंगामा हो रहा था, कार्यालय के बाहर सब नेता अपने अपने नेताओं का वो कर रहे थे कि ये बनेगा मेरा हमारा मुख्यमंत्री, सब अपने अपने ही नेता की नारेबाजी कर रहे थे। इनके हिसाब से ना खाता ना बही, जो हरीश रावत जी कहे वही सही, बस इनका यही है टोटल बयान। शिशुपाल जी आपसे सवाल है कि जो फ्री बिजली का फॉर्मूला है तो क्या ये उत्तराखंड पर सटीक बैठेगा? जैसे दिल्ली में आपने फॉर्मूला शुरू किया, उससे आपको जीत मिली दोबारा, तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ भी फिट बैठेगा? मेरी और इनके सवाल की बात है कि उसको भी कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है हनी जी, वापस आएंगे आपके पास। आपने बिजली यूनिट फ्री देने की घोषणा कर दी थी। हनी जी आपके पास वापस आएंगे, शिशुपाल जी से सवाल है हमारा, वो भी चर्चा में बने हुए हैं। पूछा था, एक सवाल का जवाब मैं दे दूं फिर मैं चुप हो जाती हूं। इन्होंने ये बोला था कि बिजली के लिए फ्री के लिए बोल दिया और फिर पीछे हट गए। मैं इनसे ये बोलना चाहती हूं कि पहले ना आंकड़े पढ़ ले, पेपर पढ़ ले, न्यूज में क्या आता है पढ़ ले। उसमें ये दिया था कि विधानसभा में हम यूनिट फ्री बिजली के लिए प्रस्ताव रखेंगे, फ्री करने की घोषणा नहीं करी गई थी। तो पहले प्लीज आंकड़े साफ कर लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, क्या जनता में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, बाकी कैबिनेट मंत्री बोल रहे हैं, पढ़ लीजिए, पढ़ देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ठीक है, दूसरा सवाल पूछ ले आप। ठीक है शिशुपाल जी, जवाब दीजिए। शिशुपाल जी आपको हमारी आवाज आ रही है? मेरे तो पहली बार पाठक जी से मुलाकात हो रही, मुझे लग रहा कि ये तो ऐसे कर रहे जैसे लड़ने के लिए आ रखे होंगे। मुद्दों की बात करते करते लड़ाई तो होगी। उत्तराखंड की जनता देख रही है, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने खुद कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और मैं 13 लाख जो हमारे बीपीएल के लोग हैं उनको बिजली फ्री करने की काम करूंगा। जो भी अखबार आपने पढ़े, मैंने पढ़े, उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, आपने मेरे से पूछा प्रस्ताव, मेरे से पूछा आपने कि किस प्रकार से आप जो है दिल्ली के तर्ज पर उत्तराखंड में बिजली देने का काम करेंगे। हम लोग बिजली नहीं, हर सुख सुविधा, जैसे मैं आपके हर सवाल का जवाब एकदम पॉइंट टू पॉइंट सवाल का भी जवाब दीजिए, हर सुख सुविधा मेरे हिसाब। हनी जी अभी सवाल सिर्फ बिजली का मैंने किया, हम चाहेंगे उसी पर जवाब दें, वो वापस उनसे बाकी सवाल भी करेंगे। देखिए ऐसा है कि जो हमारा दिल्ली का मॉडल है आज वो देश विदेश में चर्चा में है और इसीलिए बीजेपी कांग्रेस बौखला चुकी है। अगर बौखला ही नहीं होती तो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, उनके घर के आगे उनके विधानसभा में जब हमने
कैनोपी लगाई थी, बिजली का रजिस्ट्रेशन लोग लाइन लगा करके रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, तो इनके पार्षद इनके मंडल अध्यक्ष बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाकर वहां पे एक महिला के साथ बदतमीजी करने लग गए और जिसके लिए एफआईआर कर रखी है और निश्चित रूप से हम गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लड़ना नहीं चाहती है, आम आदमी पार्टी चाहती है कि आम आदमी के लिए काम हो। 21 साल बीजेपी कांग्रेस ने छलने का बहुत काम कर दिया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। जो हमारी बिजली आएगी, उस बिजली में जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी ने और रोडों पर कमीशन खोरी 15% तक उत्तराखंड में है, पंचायत से लेकर और विधानसभा तक, वो सारा खत्म होगा, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड होगा, लोगों को बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगी और रोजगार मिलेंगे। और कुछ दिन में ये बीजेपी कांग्रेस के अपने आप बोलना बंद हो जाएगा इनको। जब तक हमारी जो जनता है, आज जनता जो है गांव गांव से घर घर से आवाज आने लग गई है, और इनको मैं बता दूं जल्दी एक सर्वे आने वाला है जिसमें जो है कि आप लोग कहां है और आम आदमी कहां है, ये आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन शिशुपाल जी, जो बजट है दिल्ली का ज्यादा है, उत्तराखंड का कम है, उस बजट में क्या जैसे आपने घोषणा की फ्री बिजली की, वो कर पाएंगे? जी सर, फ्री तो ये सब कर लेंगे। दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ का है और वहां पर 2200 करोड़ के करीब जो है बिजली पर खर्च होता है। उत्तराखंड का 50,000 करोड़ का बजट है और हम जो है हमने जो मोटा मोटा कैलकुलेशन किया है 1,000 या 1,200 करोड़ तक हमारा जो है बिजली पर खर्च आएगा। और इसीलिए जो हमारी गारंटी कार्ड योजना चल रही है उसमें हम पिछले महीने का बिल भी लोगों से लेने का काम कर रहे हैं। और बिजली देना आसान है, उत्तराखंड में बिजली बनती है और उत्तराखंड बिजली बेचता है, दिल्ली खरीदता है, उसके बाद दिल्ली जो है 70% लोगों को आज फ्री बिजली देने का काम कर रहा है। और बात फ्री की नहीं है, आखिर बीजेपी कांग्रेस के लोग ये पूछे कि जब अगर विधायक को, मंत्री को और मुख्यमंत्री को बिजली फ्री है तो आम जनता के लिए फ्री क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका कारण बता दीजिए बीजेपी कांग्रेस वाले। ठीक है, हमारे साथ अनिल जी भी हैं। अनिल जी, जो फ्री बिजली की पॉलिटिक्स है, कितना फायदा पहुंच सकता है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले हनी जी ने जो पाठक जी ने पूछा था, बोला था गैरसैंण को लेकर के, मैं उसका जवाब उनका दे दूं। मैं गैरसैंण पे सबसे पहले अगर काम किया गया था तो कांग्रेस सरकार के समय किया गया था, और सबसे पहला अगर सत्र हुआ था टेंडर लगाकर कांग्रेस सरकार ने किया, बिल्डिंग बनाने का काम हरीश रावत सरकार द्वारा शुरू करवाया गया था। यदि आपको पूरी जानकारी है, बीजेपी ने लाठी चार्ज किया था गैरसैंण में, ऐसा सबसे पहला सत्र कांग्रेस सरकार में हुआ है, ठीक है ना? और बीजेपी ने लाठी चार्ज करवाया था, मैं याद दिलाऊं। हां बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं सहमत हूं इस बात से, उन्होंने लाठी चार्ज करवाया था बिल्कुल, और हमारे सामने की बात है, उस दिन उस समय हम लोगों ने भी वहां पे धरना दिया था, हम लोग गए हुए थे। और उसके बाद दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी की, कि आम आदमी पार्टी को भी ये बताना चाहिए कि दिल्ली में इस बिजली पानी का जो मुद्दा है, इसके अलावा उन्होंने कौन कौन से विकास के काम किए हैं। बहुत बढ़िया अनिल जी, इस समय तो मैं भी आपके सपोर्ट में खड़ी हो रही हूं। धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि ये पूछिए अनिल जी, मैं एक निवेदन पाठक जी में जो कहना चाहता हूँ, बिजली पानी वो जो बांट रहे हैं वहां पर, जो उनकी इनकम है वहां पर, सारा खर्चा तो केंद्र सरकार के जिम्मे होता है वहां दिल्ली को पालने का, जो सबसे बड़े बड़े काम है, बाकी वहां जो इनकम है, जो टैक्स जो वसूली है, वो इतनी होती है कि अगर इससे ज्यादा भी बांट देंगे तो मैं समझता हूँ फिर भी सरकार के पास पैसा बच जाएगा, दिल्ली सरकार के पास रहेगा बहुत बजट। लेकिन लेकिन उत्तराखंड की जरूरतों के हिसाब से उनके पास क्या विजन है, या सिर्फ बिजली बांट करके काम करना चाहेंगे, बस यही है विजन इनका। और उसके बाद अभी दूसरा मुद्दा कि पानी का लेकर के आ जाएंगे, उसका मुद्दा उनके पास रहेगा, उसके बाद कोई दूसरा मुद्दा बताए ना, फ्लाईओवर कहाँ बनाएंगे। लेकिन अनिल जी, जो सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है दिल्ली में, जो पहले थी उसके बाद जब केजरीवाल सरकार आई तो उसके बाद काफी बदली है, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है और एक मॉडल है अगर स्कूलों की बात करें जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा अगर आप कहते हैं बिजली फ्री दे के सत्ता में जो है दिल्ली में केजरीवाल आ गई और बाकी कुछ काम नहीं किया, तो ये भी गलत है। नहीं, उसमें क्या काम किया एंकर साहब, मुझे ये बताइए, सरकारी स्कूलों की जो स्थिति उत्तराखंड की है और सरकारी स्कूलों की स्थिति जो दिल्ली की है, ये किसी से छिपी नहीं है पाठक जी। मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूं, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूं कि मैं आम आदमी पार्टी का फेवर कर रहा हूं या फिर बीजेपी का फेवर कर रहा हूं। टोपी हटा करके अपने सर से टोपी हटा करके जनता के बीच जाएंगे ना, और आपको किसी को ये मत बताइए, आप किसी को ये मत बताइए कि मैं पार्टी से जुड़ा हूँ किसी से, आप जनता के बीच में जाइए। आज जनता का हर आदमी 10 में से 9 आदमी ये बोल देगा कि आज कांग्रेस सरकार आ रही है, ठीक है ना? अगर कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार, लेकिन अनिल जी कांग्रेस पार्टी में तो खुद ही अभी फूट मची हुई है, जो नए अध्यक्ष बनाए गए गणेश गोदियाल, वो जो पूर्व अध्यक्ष जो थे प्रीतम सिंह, उन्होंने जो ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति की थी उन नियुक्ति को उन्होंने खारिज कर दिया है, तो कांग्रेस पार्टी तो अंदर की फूटी नहीं खत्म कर पा रही है, तो लड़ाई कैसे लड़ेगी चुनाव में?
फूट नहीं है, हमारे तीन दिन की मीटिंग आज की तारीख में ऋषिकेश में चल रही है, सभी जितने भी हमारी कमेटियां बनी है उनमें रोड मैप तैयार हो रहा है, उसमें कोई गुटबाजी या कोई कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत जो मरमिटाव था वो सब खत्म हो चुका है। बाकी लोगों को भी मौका दीजिए, जब आपके पास आए तब आप अपनी बात कहिए। अनिल जी, तो आप नहीं मानते कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की फूट है? कुछ कहना चाह रहा था, पहना प्लीज निवेदन जी, आपने मुझे बोला था कि बीच में ना बोले, मैं भी बीच में नहीं बोला, माफी माफी, ठीक है ना। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि कांग्रेस के अंदर इस समय कोई गुटबाजी नहीं थी, छोटी बोट थी, जो कोई आपस में जो मनभेद थे वो जो मतभेद थे वो सब दूर हो चुके हैं, आज सब लोग इकट्ठे बैठ करके अब आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं और जनता के बीच आकर के एक ही उनका मत हुआ सबका कि हाथ के निशान में निशान लगवा करके कांग्रेस सरकार को लाना है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं, जो आम आदमी पार्टी बीच में आकर के जो इंटरप्ट करने का काम कर रही है, जिसके पास कोई विजन नहीं है, तो रावत जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कनॉट प्लेस से आकर के देहरादून घूमना बड़ा आसान काम है, लेकिन जंगल और उसमें पहाड़ में जाकर के काम करना और वहां पर उनकी समस्याओं को समझना, उन समस्याओं के अगर हमारे पास विजन नहीं, हमारे से परेशानी कांग्रेस बीजेपी को नहीं, तो क्यों हमारे होल्डिंग तोड़े जा रहे हैं, क्यों नगर निगम से हमारे होल्डिंग कार्यकर्ताओं के साथ सफाई की जा रही है, मैं बता रहा हूँ क्यों तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि आपकी और बीजेपी की नूराकुश्ती है, बीजेपी किसी तरह से चाहती है कि आप लाइमलाइट में बने रहे। ठीक है हनी जी, जब आपके पास आए तब बात कीजिए, बाकी लोगों को अपनी बात पूरी करनी थी। ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक ले रुकेंगे, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पुष्कर सिंह धामी, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत ना हारें, दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रूपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। खुदी को आजमाया कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी है उनके सीधे खाते में पहुंचेगी, उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा, उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रूपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रूपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1,00,000 से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सार। पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। हम बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 30 दिन के कार्यकाल की, जहां पर उन्होंने कोई संशय नहीं है कि छाप छोड़ी है, लेकिन सवाल ये कि जो काम 30 दिनों में किया गया वो पहले क्यों नहीं किया गया। वापस हम आएंगे। हमारे साथ जयसिंह रावत हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जयसिंह जी, सवाल ये है कि जो तेज़ी दिखाई गई है इन इस 30 दिनों में, वो तेज़ी जो है वो आगे भी अगर देखने को मिलती है आने वाले समय में, तो कहीं ना कहीं मुश्किलात पैदा हो सकते हैं बाकी पार्टियों के लिए। शायद जयसिंह जी हमारे साथ नहीं हैं। हम ये सवाल अनिल जी से लेंगे। अनिल जी, जो काम 30 दिनों में किया है बीजेपी ने, अगर यही काम लगातार जो समय बचा है अगर वो होता रहा, तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं मानते कि ऑपोजिशन जो है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी चुनाव में जीतने को? अनिल जी आपसे ही सवाल है, शायद जयसिंह रावत जो थे उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा तो था नहीं और ना उनके पास कोई योजना थी। अब वो ढूंढ करके इस प्रकार से लाए हैं। 57 विधायक थे उनके, उनको एक मुख्यमंत्री नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने पहले त्रिवेंद्र जी को बनाया, और जब उसके बाद उनको दोबारा से ढूंढने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बहुत दूर तक नजर घुमा करके समझ में आया कि किस तरह से युवाओं को गुमराह करके कम से कम युवाओं के नाम पे राजनीति कर ली जाए, क्योंकि काम उन्होंने किया नहीं और आगे उनके पास समय मिला नहीं, आगे है भी नहीं समय उनके पास काम करने के लिए। और वास्तविकता तो ये विजन पूरे देश में ही नहीं है बीजेपी के पास। अब ये जो फडणवीस जी जो थे उसमें महाराष्ट्र में, युवाओं के नाम पर ही उनको वहां की जनता को गुमराह करने का काम किया गया था, वहां की जनता ने उनको नकार दिया। आज वही स्थिति उत्तराखंड में होने जा रही है। उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की जनता इस सरकार को अच्छे से नकारेगी, और इस प्रकार से नकारेगी कि आगे से समझ में आएगा कि या तो आपके पास उत्तराखंड के लिए रोड मैप हो, नहीं तो किसी प्रकार का। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, अगर उनको वो उत्तराखंड के लिए बहुत इतने बेचैन है हमारे मुख्यमंत्री और युवा है, तो सबसे पहले नशे के खिलाफ आंदोलन छेड़े। आज युवा का, आज शहर, आज हर शहर में इस प्रकार के नशे हो रहे हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां वो ड्रग्स के नशे में वो फंसते जा रहे हैं। इस प्रकार का अभियान छेड़े सबसे पहले, अगर वो करना चाहते हैं, इस प्रदेश को बचाना चाहते हैं। जो हमारी युवा पीढ़ी बिल्कुल दिन में आज की तारीख में नशे में घूम रही है, उस पर कौन चिंता करेगा? वो सिंबॉलिक हमने शिलान्यास कर दिया, हमने ये कर दिया और वो घोषणा कर दी, ये इनसे क्या प्रदेश? लेकिन अनिल जी 30 दिन समय हुआ है, 30 दिन में उन्होंने काफी काम किया है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। आगे समय और भी है, अभी जो समय बचा है अगर वो यही तेजी दिखाते हैं, तो सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं? उत्तराखंड का भविष्य बच सके? देखिए एंकर साहब, आप खत्म हो रहा, भाजपा की प्रवक्ता बैठी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने काम किया तो ये बता दीजिए इन्होंने एक महीने में कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया धरातल पर। खाली एड 22,000 के मोदी जी की फोटो के साथ धामी जी की फोटो लगाने से उत्तराखंड का भला नहीं होने वाला है। गोरी घोषणाएं, झूठी घोषणाएं करने से नहीं होने वाला है। सिर्फ बैकडोर से इनके जो है मेयर के बेटी बिटिया या विधानसभा अध्यक्ष की बेटी बिटिया लग रही है, बाकी पूरा उत्तराखंड बेरोजगार में बैठा हुआ है। बीजेपी, ठीक है, सवाल ले लेते हैं, समय कम है। हनी जी सवाल दीजिए कि रोजगार जो है बेरोजगारों को रोजगार कब तक मिलेगा? पूरे देश में वैक्सीन नहीं है, लेकिन मोदी चलेगा, थैंक यू मोदी चलेगा, ठीक है। और सत्ताधारी दल आदमी पार्टी के ही इस संकट के बीच आप ये बताइए आपने कितने लोगों को एक महीने में रोजगार दिया? जो आप धामी जी के विधायक शोएब इकबाल जी ने राष्ट्रपति शासन की मांग करी। अगर आप इतना ही अच्छा कार्य कर रहे थे तो आप ही के विधायक क्यों राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे? दूसरी चीज आपने अभी उत्तराखंड वासियों की, उत्तराखंड की सरकार पर उंगली उठाई है, तो मैं आपसे पूछूंगी ना सवाल, मेरे मौसा ससुर ऑक्सीजन की कमी से क्यों मरे? क्योंकि आपके इमरान, आपके आम आदमी पार्टी के इमरान, उत्तराखंड में आम ने अपने घर में जमाखोरी कर रखी थी ऑक्सीजन की। ये सब चीजें देखिए, गलत गंदी हरकतें नहीं करनी चाहिए, लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए जो आप लोग करते चले आ रहे थे। अनिल जी हरीश रावत जी फिर दौड़ पड़े लेके हाथ में टोपी, चुनावी रंग में उनको याद आ रही है वो धर्म की सीढ़ी वाली टोपी
क्योंकि ये उल्टे सीधे बयान देके चुनाव में नहीं जीता जा सकता। 2022 में आप सबकी हार तय है, इसलिए आप सबको बीजेपी से भय है और बार बार आप ये बात कर रहे हैं। आपका मुद्दा हरीश रावत के लिए उठा दिया, आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम करती है। जब आप अरे क्यों उल्टे सीधे बयान दे रहे हो चैनल में शिशुपाल भाई साहब, उल्टे सीधे नहीं, बिना मुस्लिम के तो राजनीति होती नहीं बीजेपी, बिना मुस्लिम पाकिस्तान के बिना कहां होती है। परिस्थितियां मत पैदा करिए चैनल में जब आप बैठे हैं और सम्मानजनक चैनल में जब आप बैठे हैं। अनिल बलूनी जी को हरिद्वार से नफरत हो गई है, जनता को भ्रामिक ना करें, ना करें। एक तो होता है हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति, ये कह रही हूँ हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण वाली राजनीति कृपया चैनल में आकर ना करें, शोभा नहीं देता। बीजेपी को भी क्षेत्र हिंदू मुस्लिम की राजनीति वाली बातें ना करिए। बलूनी जी को सही बात है, ये बात कहनी चाहिए आपको कि क्षेत्र क्षेत्रवाद का मुद्दा इस तरह प्रकार से लोगों के दिमाग में ना भरे, जहर ना भरे। उत्तराखंड बहुत अच्छा प्रदेश है, बलूनी जी भर रहे हैं, अनिल बलूनी जी भर रहे हैं। आपने कहा, मैंने मान लिया। और इसका इस बयान का मतलब ये है, इस बयान का मतलब ये है कि बीजेपी ने मान लिया है कि धामी जी इस बार बीजेपी कांग्रेस को लोगों को हिंदू मुस्लिम बहुत भारी पड़ेगा जी। आप तो अपने में क्योंकि हम व्यक्तियों पे व्यक्तियों का भला करना चाहते हैं, समाज का भला करना चाहते हैं, अंतिम व्यक्ति का भला करना चाहते हैं। बीजेपी कांग्रेस के आज दिन तक हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके ही गए खरीद में तोड़ा पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड। इस सत्र में 20,594 किसानों ने 14.34 टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले 10 साल में ये गेहूं खरीद का सर्वाधिक आंकड़ा है। इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 19,975 रुपए प्रति क्विंटल रहा है। ये सब कहां से आ रहा है? महिला सशक्तिकरण के लिए भाजपा सरकार ने एक से एक ऐतिहासिक मैडम आपके लिए मैं व्यवस्था कराता हूं घूमने की, आप जनता के बीच में जाइए, संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी है। जो आप कह रहे हैं 4 साल में काम नहीं हुआ, तो मैं ये आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब हमारे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया था कि पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी रही है। राजस्व रिकॉर्ड में अब पति की पैतृक संपत्ति में पत्नी का भी नाम दर्ज होगा। महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है, महिलाओं के हित में ऐसा फैसला लेने वाला उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य। इसीलिए उनको बदल दिया गया और केंद्र सरकार महिला विरोधी है, आपने मान लिया है, बिल्कुल बिल्कुल आपने मान लिया। और बलूनी जी का मैंने मान लिया, अनिल बलूनी जी का जो मैं इतनी जल्दी गलत चीजों में हामी भरने वाली औरतों में से नहीं हूं। जो बयान है वो ये बात को साबित करता है कि धामी जी को मैडम टैलेंटफुल जॉब जीपी में भ्रष्टाचार हुआ, आपके विधायक पूरन पटियाल के कहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री को 30 दिन के कार्यकाल को लेकर, जो तेजी मुख्यमंत्री ने 30 दिनों में दिखाई है, कहीं ना कहीं ये एक छाप छोड़ी है। और ये सिलसिला कब तक चलेगा और इसका फायदा बीजेपी को कितना पहुंचेगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।